नमस्कार दोस्तों, अगर आप टकाटक का एप्लीकेशन प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर रहे हैं, वहाँ पर आपका इंस्टॉल नहीं हो रहा है, बार बार वो घूम रहा है, या फिर आपके प्ले स्टोर में कुछ एरर आ रहा है, तो आप इस प्रॉब्लम को फिक्स कैसे करेंगे, इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ। इसे फिक्स करने के लिए आप अपने मोबाइल के सेटिंग को ओपन कर लेंगे। सेटिंग को ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे ऐप्स को ओपन कर लेना है, ठीक है। आप ऐप्स पे टैप करेंगे, उसके बाद आपको यहाँ पे लिस्ट में नीचे आना है। यहाँ पर आपको गूगल प्ले स्टोर देखना है कहाँ पर है, ठीक है। यहाँ पर हमारा गूगल प्ले स्टोर है, आपको सिंपली इस पे टैप करके ओपन कर लेना है। ओपन करेंगे आपको इस प्रकार का पेज मिलेगा, यहाँ पर आपको स्टोरेज पे टैप करके ओपन कर लेना है। ठीक है, स्टोरेज पे टैप करने के बाद आपको यहाँ पे क्लियर डेटा पे टैप करना है। देन आपको यहाँ पे ओके पे टैप करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आपको बैक आना है। बैक आने के बाद आपको यहाँ पे फोर्स स्टॉप पे टैप कर देना है, फिर आपको यहाँ पे फोर्स स्टॉप कर देना है, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे बैक आएंगे। बैक आने के बाद आपको गूगल प्ले सर्विसेज पे टैप करना है, ठीक है। ये आपका ऑप्शन है गूगल प्ले सर्विस, आपको सिंपली इस पे टैप कर लेना है। टैप करने के बाद आपको यहाँ पे फिर से स्टोरेज पे टैप कर लेना है। स्टोरेज पे टैप करने के बाद आपको यहाँ पे मैनेज स्टोरेज पे टैप करना है, ठीक है। इस प्रकार का पेज खुलेगा, यहाँ पर आपको क्लियर ऑल डेटा पे टैप कर लेना है, ठीक है। फिर आपको ओके पे टैप कर देना है। ओके पे टैप करने के बाद आपको यहाँ पे क्लियर कैसे करना है, ठीक है। क्लियर कैसे करने के बाद आपको यहाँ से बैक आ जाना है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर थ्री डॉट वाले सेटिंग पे आपको टैप कर देना है। यहाँ पर आपको शो सिस्टम एप्स पे टैप करना है, ठीक है। लिस्ट में आपको यहाँ पे नीचे जाना है, नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा डाउनलोड मैनेजर का, ठीक है। आपको डाउनलोड मैनेजर पे टैप कर लेना है। यहाँ पर आपको स्टोरेज पे टैप कर लेना है, ठीक है। देन आपको यहाँ पे क्लियर डेटा पे टैप कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे ओके पे टैप कर लेना है, ठीक है। ओके पे टैप करने के बाद आप यहाँ पे बैक आके इसे क्लोज कर लेंगे, ठीक है। क्लोज करने के बाद आप अपने मोबाइल को एक बार रिस्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद आप कोई भी एप्लीकेशन अपने मोबाइल पर इंस्टॉल करेंगे तो वो आपका आराम से इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। अब आपको एप्लीकेशन इंस्टॉल करने में कोई भी एरर मैसेज नहीं आएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।